Hello everyone, I hope you all are doing great. So as we were discussing about the chapter from the diary of Anne Frank, and we have done the part 1 and we have done part 2 as well. So now we are ending this story with the part 3. And in this chapter we have talked about Annie, like she was 15 years old and she was died when she was right 15. And in her family it had her grandmother, father, mother and her sister. So everybody's could not survive because of the Nazi government, you can say. And also her father was able to survive. Then he found her diary and he published everything there. And in that diary there a note was there which Annie had written. So she was a kind of very talkative person. She used to talk a lot in the class. So her teacher had given her a punishment. She had to write an essay on the topic A Chatterbox. So Annie thought that what can she write on that particular topic. But either way, Annie jotted down the title of notebook. वो अपनी notebook में title लिखती है. Then she tucked the diary in her bag. और फिर कोशिश करती कि चुप रहे. यहाँ तक हमने discuss कर लिया था. So now we are going to continue from here. That evening after I would finish the rest of my homework, the note about the essay caught my eye. फिर क्या होता है, एनी जो है जितना भी उसका स्कूल का होमवर्क होता है उसको वो कंप्लीट कर लेती है. और उसके बाद फिर उसकी ध्यान आता है, उसकी नज़र पड़ती है कि अरे उसे एक चैटर बॉक्स टॉपिक पे इसे भी लिखना है. आई बिगैन थिंकिंग अबाउट द सब्जेक्ट वाइल च्यूइंग द टिप ऑफ माई फाउंटेन पेन. एनी वन कुड रैम्बल ऑन एंड लीव बिग स्पेस बिटवीन द वर्ड्स, बट द ट्रिक वॉज टू कम अप विद कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट्स टू प्रूव द नेसेसिटी ऑफ टॉकिंग. एनी जो होती है वो लिखना और सोचना शुरू करती है. वो बहुत ज़्यादा सोच रही होती है. इस ये चीज़ हमें पता चलती है कि वो उसका फाउंटेन पेन था, उसको च्यू भी कर रही थी साइड से, पिंच से. रैम्बल वर्ड जो यहाँ पे दिया है, दिस वन, इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा टॉक करना या एमलेसली लिखते जाना बेसिकली. तो वो उस चीज़ पे लिखती जा रही होती है. बट एनी को एक चीज़ का ध्यान था कि उसे कुछ ऐसा लिखना है कि जिससे वो कन्विंस कर ले टीचर को कि बात करने में कोई बुराई नहीं है. और ये हैबिट वो चेंज नहीं कर सकती. आई थॉट एंड थॉट एंड सडनली आई हैड एन आइडिया. आई रोट द 3 पेजेस ऑफ मिस्टर की सिंह हैड असाइंड मी एंड वॉज सेटिस्फाइड. फाइनली वो शी केम अप विद कपल ऑफ सेंटेंसेज एंड द फ्रेजेज एंड द पैसेज. और उसको कंप्लीट करने के बाद मिस्टर की सिंह जब उसका वर्क देखते हैं वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं. I argued that talking is a student's trait and I would do my best to keep it under control. And he अपनी argument को continue करती है Mr. Kissing के साथ और उनको ये बताने की कोशिश करती है कि talking में मतलब बात करने में कोई बुराई नहीं है, but कोशिश करूँगी कि मैं इस चीज़ को control करूँ. But that I would never be able to cure myself of the habit since my mother talked as much as I did in if not more. उसके बाद एनी कोशिश बहुत ज़्यादा करती है अपने टॉकिंग को कंट्रोल करने की, बट वो कर नहीं पाती क्योंकि उसकी हैबिट बन चुकी थी. और वो हैबिट इसलिए पड़ रही क्योंकि उसकी जो मदर थी वो भी बहुत ज़्यादा बोलती थी. और यहाँ पे एनी कहती है मैं भी एकदम अपनी माँ की तरह ही बोलती हूँ, अगर उनसे ज़्यादा नहीं बोलती हूँ तो उनसे कम भी नहीं बोलती हूँ. आई डिड इफ़ नॉट मोर एंड दैट देयर इज़ नॉट मच यू कैन डू अबाउट इनहेरिटेड ट्रेट्स. और एनी कहती है कि जो आपको इनहेरिट चीज़ें मिलती हैं उन चीज़ों को आप बदल नहीं सकते हो. यहाँ पे कुछ वर्ड्स की मीनिंग दी है, लाइक ओल्ड फॉजी जो हमने पिछली पढ़ चुके हैं, ओल्ड फैशन, रैम्बल ऑन टॉक और एमलेसली लिखना किसी चीज़ को, कन्विंसिंग आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट जो किसी को बिलीव करवा ले. वेल Mr. Kissing had a good laugh at my argument, but when I proceeded to talk my way through the next lesson, he assigned me a second essay. Mr. Kissing जो थे वो बहुत ही funny उनको लग रहा था जब Annie उनसे argument कर रही थी, वो हंस रहे थे. Finally, next class होता है, कुछ time बीत जाता है और फिर से Annie अपने आप पे control नहीं पा पाती है और मिस्टर किसिंग उसको फिर से एक पनिशमेंट देते हैं, फिर से एक असाइन करते हैं कि तुम्हें एक सेकेंड एसे लिखना होगा. दिस टाइम इट वॉज सपोज टू बी ऑन एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. इस टाइम पे जो एसे उसको मिलता है उसका जो बॉक्स था वो था इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स. चैटर बॉक्स हम पहले भी बात कर चुके हैं जो बहुत ज़्यादा बोले. इनकॉरिजिबल वर्ड का जो मतलब है यहाँ पे उसकी मीनिंग होती नॉट एबल टू चेंज और रिफॉर्म, कोई ऐसी हैबिट या कोई ऐसी चीज़ जिसको आप बदल ना पाओ. वेल आई हैंडेड इट इन एंड मिस्टर किसिंग एंड नथिंग टू कंप्लेन अबाउट फॉर टू होल लेसन. हाउएवर ड्यूरिंग द थर्ड लेसन ही वुड फाइनली हैड इनफ. उसके बाद वो उस पर भी ऐसे लिखती है और फिर चीज़ें नॉर्मल चलती हैं. दो लेसन लगभग हो जाते हैं फिर मिस्टर किसिंग का जो पेशेंस होता है वो ख़त्म हो जाता है. एनी फ्रैंक एज अ पनिशमेंट फॉर टॉकिंग इन क्लास राइट एन ऐसे इन टाइटल क्वैक 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 सैड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स. उसके बाद क्या होता है कि जो पेशेंस लेवल होता है वो ख़त्म हो जाता है बिकॉज एनी कंट्रोल में नहीं आ पा रही होती. एनी को फिर थर्ड ऐसे मिलता है एज अ पनिशमेंट और इस बार जो उसे ऐसे लिखना होता है वो टॉपिक था क्वैक क्वैक क्वैक. बेसिकली क्वैक इज़ अ काइंड ऑफ साउंडिंग ऑफ डक,
like ducks you know quack a lot, वो quack बहुत ज़्यादा करती हैं, उस चीज़ पे एनी को पनिशमेंट मिलती है, और ये जो पनिशमेंट मिली थी मिस्ट्रेस ने दी थी. इनहेरिटेड ट्रेट्स का मतलब होता है आपका क्वालिटीज़ दैट वन गेट्स फ्रॉम वंस पेरेंट, पेरेंट्स से जो चीज़ आपको मिलती है. इन कॉरिजिबल का मतलब भी दिया हुआ है. वेल मूविंग ऑन, द क्लास रोड आई हैड टू लाफ टू दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड माई इनजेन्यूनिटी ऑन द टॉपिक ऑफ चैटर बॉक्स. उसके बाद क्या हुआ कि जब एनी को ये पनिशमेंट मिलती है तो पूरा क्लास रोर करने लगता है, बेसिकली हंसने लगता है, मजाक बनाने लगता है. तो एनी खुद को कन्विंस करने के लिए, उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए भी वो भी एक फेक स्माइल देती है, वो भी हंसने लगती है. बट एक्चुअली में वो अंदर से उसको अच्छा नहीं लग रहा होता है, बट जस्ट टू बैलेंस द सिचुएशन शी ऑल्सो लाफ्ड दो आई वुड नियरली एग्जॉस्टेड. वो जो एनी होती है वो अंदर से बिल्कुल थक चुकी होती है, और चैटर बॉक्स जो वो मीनिंग समझ रही थी टॉकिंग की, जो एनी के लिए मीनिंग थी वो कोई उसे समझ नहीं पा रहा था. तो इस वजह से वो काफ़ी एग्जॉस्टेड थी, पक चुकी थी, परेशान हो चुकी थी. इट वॉज टाइम टू कम अप विथ समथिंग एल्स, समथिंग ओरिजिनल. तो एनी सोचती कि अब कुछ मतलब मुझे ओरिजिनल करना होगा, अब तक तो मैं चीज़ें बैलेंस करी थी, अब मुझे रियलिटी लिखनी होगी. माई फ्रेंड सेम हुज गुड इन एट पोइट्री ऑफर्ड टू हेल्प मी राइट द एसे फ्रॉम बिगनिंग टू एंड इन वर्स एंड आई जम्प फॉर जॉय. उसके बाद एनी जैसा कि परेशान होती है, तो उसका एक फ्रेंड होता है जिसको पोइट्री लिखने में बहुत अच्छा था वो, तो बोलता है कि ठीक है मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, बिकॉज पोइट्री जो होती है एक बहुत डिफरेंट वे होता है, इम्पैक्ट उसका अच्छा पड़ता है. तो वो कहता है मैं तुम्हारी ऐसे लिखने में हेल्प करूँगा शुरू से लेकर एंड तक के. एनी खुश हो जाती है इस चीज़ को लेकर, जॉयफुल हो जाती है. मिस्टर कीसिंग वॉज ट्राइंग टू प्ले अ जोक ऑन मी विद दिस रेडिक्यूलस सब्जेक्ट, बट आई वुड मेक श्योर द जोक वॉज ऑन हिम. एनी ऐसा बोलती है या सोचती है कि मिस्टर कीसिंग जो है वो एनी के सब्जेक्ट को लेके, एनी के हैबिट को लेके मजाक बना रहे हैं, जोक कर रहे हैं. रेडिकुलस का मतलब होता है भद्दा सा, मतलब उसको बिल्कुल यू नो डीमोटिवेट कर रहे हैं. बट एनी कोशिश करेगी कि जो जोक और जो चीज़ें वो कर रहे हैं वो रिटर्न कर दें उन्हीं को. वेल आई फिनिश्ड माई पोएम एंड इट वॉज ब्यूटिफुल. एनी की जो पोएम होती है वो कम्प्लीट हो जाती है, और जो पोएम लिखती है वो बहुत अच्छी होती है. It was about a mother duck and a father swam with three baby ducklings who were bitten to death by the father because they quacked it too much. उसके बाद एनी जो अपनी स्टोरी और जो ऐसे लिखती है उसमें ऐसा मेंशन करती है कि स्टोरी बनाती है कि एक मदर डक होती हैं और एक फादर स्वान होता है, और उनके थ्री बेबीज होते हैं, थ्री डकलिंग्स होते हैं. डकलिंग्स मतलब बत्तख के जो बच्चे होते हैं, और उन बच्चों को इतना मारा जाता है कि उनकी डेथ हो जाती है. और ये मारता कौन है, स्वान फादर मतलब उनके फादर मारते हैं. क्यों मारते हैं, क्योंकि उसके बच्चे क्वैक बहुत करते थे, बोलते बहुत ज़्यादा थे. ये एक तरह का इनडायरेक्टली हिडन मैसेज एनी देना चाह रही थी कि बच्चे अपनी हैबिट चेंज नहीं कर पा रहे थे, और पनिशमेंट आखिरी में ख़त्म हो गई, बच्चे मर गए, लेकिन उनकी हैबिट नहीं छूटी. ये इस स्टोरी के पीछे उसकी आयरनी थी. सो लकीली मिस्टर कीसिंग टुक द जोक द राइट वे. और जब मिस्टर कीसिंग इस चीज़ को पढ़ते हैं तो वो इस चीज़ की इंटेंशन समझ जाते हैं. ही रेड द पोएम टू द क्लास एडिंग हिज ओन कॉमेंट्स एंड टू सेवरल अदर क्लासेज एज वेल. मिस्टर कीसिंग इस चीज़ को पढ़ते हैं क्लास के सामने और कुछ अपने भी कॉमेंट्स देते हैं इस चीज़ को. Since then, I have been allowed to talk and haven't been assigned any extra homework. उसके बाद से मिस्टर कीसिंग उसको अलाउ कर देते हैं, वो क्लास में बोल सकती थी, और कभी भी उसको इस चीज़ के लिए पनिशमेंट नहीं मिली कि आप बोलने की वजह से एक्स्ट्रा वर्क मिले. ऑन द कॉन्ट्रेरी मिस्टर कीसिंग ऑलवेज मेकिंग जोक्स दीज डेज. और कॉन्ट्रेरी वर्ड जो यहाँ पे दिया है इसका मतलब होता है ऑपोजिट. अगर इसका उल्टा देखा जाए तो मिस्टर कीसिंग में भी काफ़ी बदलाव है, वो भी काफ़ी जोक वगैरह क्लास में करने लगे थे इन दिनों. अब यहाँ पे एनी ने जो ये डायरी लिखी है पूरी, वो यहाँ पे फिनिश होती है. जैसे कि ये पार्ट आप देख सकते हो, दिस इज़ अ एंडिंग पार्ट. योर्स एनी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल विथ स्लाइट अडाप्टेशन. तो ये पूरी एनी के एक नोट है जो एनी की डायरी में से लिया गया है. बाकी और भी बहुत सी चीज़ें हैं. देन आपके क्वेश्चन एंड आंसर स्टार्ट्स होते हैं. इन सारी चीज़ों को अब आप आंसर इजिली कर लोगे. जैसे कि क्वेश्चन नंबर वन है, वॉज एनी राइट व्हेन शी सेड द वर्ल्ड वुड नॉट बी इंटरेस्टेड इन म्यूजिंग ऑफ अ 13 ईयर्स ओल्ड गर्ल. जैसे कि हमने पिछली पार्ट वन में डिस्कस करा था कि कोई क्यों पढ़ना चाहेगा एक 13 ईयर्स ओल्ड की बच्ची की डायरी, उसमें क्या लिखा हो सकता है. तो क्या इस चीज़ से आप कन्विंस हो. तो इस तरह के क्वेश्चंस हैं, इनको प्रिपेयर कर लीजिएगा चैप्टर को एक बार तीनों. अगर आपने पार्ट वन और पार्ट टू नहीं देखा है तो उनको ज़रूर देख लीजिए. एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट वेदर बेस्ड ऑन पार्ट वन, पार्ट टू और दिस पार्ट, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. हैव अ गुड डे. बाय बाय.